नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, अच्छा आपका थोड़ा सा अपना नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस जगह से हैं आप? जी, मेरा नाम राजकिशोर मुंडा है, हम चकलिया पर रहने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी सिंहभूम। हाँ। और स्टेट है झारखंड। अच्छा। और अभी फिलहाल हम उड़ीसा में रहते हैं, बड़बिल में। चलिए ठीक है, तो भाई साहब आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, ये जो फ्रैक्चर आपका था कब और किस प्रकार से हुआ था? मेरा फ्रैक्चर 1 अक्टूबर को हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और जीवी और फीवला दोनों फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ तो हड्डी बैठाने वाला है, बैठाता है और क्लास आयुर्वेदिक दवा लगा देता है। अच्छा। और उसमें पट्टी करके और बांस से बांध देता था। ठीक है। और वहाँ 1.5 महीने जैसे इलाज कराया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। और हड्डी मेरा होता था। अच्छा। आपसे बात की है तो आपको मेडिसिन भी यूज करने के बाद, फिर आपसे बात की तो बात करने के बाद आप बोले कि तो बेल्ट खरीद लीजिए, सेफ्टी बेल्ट। हाँ। तो आप सेफ्टी बेल्ट कम से कम वही 15-20 दिन जैसे लगाए थे, उसके बाद हड्डी बाल हो गया। अच्छा। एक चीज ऐसा है कि एक हमारा मान्यता है कि जब भी हमारा हड्डी टूटता है, चाहे कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, है ना? तो जब आप हॉस्पिटल गए थे, आपको क्या कुछ बताया गया था? कोई सर्जरी वगैरह को लेकर के बताया गया था क्या? हॉस्पिटल सर, एक्चुअली हम हॉस्पिटल तो नहीं गए थे। अच्छा। तो हम बाद में, ऐसे हम रेलवे एम्प्लॉय है, तो बाद में हम रेलवे हॉस्पिटल गए थे एक बार। हाँ। वहाँ सीकेपी में सीकेपी गए थे, चक्करपुर। अच्छा। तो आपको जाने का तो इच्छा नहीं था, लेकिन वहाँ हम रेलवे सीख कर दिए थे, तो हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा डॉक्टर के पास। अच्छा। डॉक्टर जो हम एक्सरे दिखाए तो डॉक्टर बोला यही तो ऑपरेशन वाला केस है, इसको ऑपरेशन कराना चाहिए था। अच्छा। तो उसके बाद आपने क्या किया जब आपको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन वाला केस है? वो ऐसे पहले उस टाइम आपका मेडिसिन यूज कर रहा था, मसाज 1 या 2 डोज ले लिए थे। अच्छा। तो हमको आराम मिल रहा था, नहीं लगा था मुझे ऑपरेशन का शायद जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप उड़ीसा में हैं? जी, अभी उड़ीसा में। अच्छा, क्योंकि ये जो आप एड्रेस बता रहे हो सीकेपी चक्रधरपुर चकलिया, ये तो हमारे दोनों ऑफिस के अगल बगल ही है, कुछ ही मेरे ख्याल से 1 या 1.5 घंटा का रास्ता है इधर से, ठीक है ना? जी जी। हाँ जी, तो कभी इधर आते हैं तो जरूर ऑफिस आ जाइएगा जमशेदपुर। जी, जरूर आएंगे। अच्छा, टोटल कितना महीना अभी हो चुका है मेडिसिन ट्रीटमेंट को आपका लेकर? हाँ, मैं टोटल अभी 3 मेडिसिन यूज कर लिया है। अच्छा, लगभग 1.5 महीना? हाँ, लगभग 1.5 महीना हो गया। अच्छा। और ट्रीटमेंट के पहले क्या स्थिति था आपका, किस प्रकार से आप चलना फिरना करते? जब पहले तो हम बिल्कुल नहीं चल पाते थे, बेड में रहते थे। और जब से आपने जहर आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट शुरू किया, तो फिर कितने दिन बाद आपको लगा कि नहीं अभी मेरा कंडीशन पहले से थोड़ा सा बेहतर है? हम जब दो मेडिसिन यूज करने के बाद हम शायद सप्ताह भर के बाद ही स्टिक में आ गया था, हम तो वाकर का यूज नहीं किए थे। अच्छा। डायरेक्ट स्टिक पकड़ के चलने लगे थे। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो हमें देख रहे हैं हमारे परिवार वालों को एक चीज बता दें कि देखिए भाई साहब का जो स्थिति था, क्योंकि इनका जो केस था वो हमारे लिए लगभग फ्रेश था, कुछ ही समय बीता था, जिसके वजह से हमारी देखरेख में उन्होंने वॉकर का यूज नहीं किया, सीधे स्टिक पर आए थे। तो निवेदन है आप सबसे कि जो भी इस प्रकार की समस्या से जूझते हैं, बिना आपके कंसल्टेंट यानी कि जो आपका चिकित्सा कर रहे हैं, बिना उनके देखरेख के किसी भी प्रकार का नया स्टेप ना उठाएं। अधिकतर हमने ये चीज किया है इससे पहले कि पहले हम वॉकर का यूज करवाते हैं जो मोस्टली बेड रेस्ट पर रहते हैं, और उसके बाद स्टिक पर लेकर के आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके विदाउट सपोर्ट चलवाते हैं। लेकिन फिर वही दोबारा दोहराना चाहेंगे, कंडीशन के हिसाब से ये सारी चीजें करवाई जाती है। चलिए, हाँ जी भाई साहब आगे बताओ। हाँ सर, अभी तो चल फिर रहा, लेकिन लिंपिंग थोड़ा है। लिंपिंग थोड़ा है। और अभी आप किस प्रकार से चलना फिरना करते हो? अभी तो बिना स्टिक का चल रहे। बिना स्टिक का चल रहे। तो बिना स्टिक का चलना कितने दिन बाद आपने शुरू किया था? बिना 10-12 दिन हो गया। तो क्या कुछ कंडीशन है अभी?
अभी तो ठीक है, दर्द तो नहीं, कभी कभार बोलने से हल्का फुल्का, कभी कभार। अच्छा, कभी कभार है। और अभी हाल फिलहाल में आप हॉस्पिटल गए थे क्या? ना अभी तो नहीं गया, जाने का भी हमको मतलब इच्छा ही नहीं होता, क्या करें, कोई दवाई तो कुछ देने वाला नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है भाई साहब कि जब आप रेलवे हॉस्पिटल गए थे, इधर आप बता रहे हो अपना चक्रधरपुर को बता रहे हो हमारे सामने जो है, तो वहां जब गए तो डॉक्टर ने तो बोला कि ऑपरेशन का केस था, ठीक, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? लगा अफसोस कि करवा देना चाहिए था? ऑपरेशन करेगा, ठीक, 6 महीने उधर झेलना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ठीक है, देखिए ऑपरेशन में वही चीज होता है, फ्रेश केस मिल गया हमें भी, तो हमारे लिए काफी आसान हो गया ये चीज, इस पर इलाज करना, इस पर काम करना काफी आसान हो गया, और जिस वजह से अभी जो रिजल्ट है वो आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं उस रिजल्ट को, है ना? जी। चलिए, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, और कुछ जो आप अपनी तरफ से बताना चाहोगे हमारे परिवार? जी सर, अभी तो बिल्कुल ठीक ही है, हम यही बताना चाहेंगे कि जिसका जिसका फैक्टर है, एक बार झाड़ू वेद का मेडिसिन यूज करना चाहिए। अच्छा, चलिए चलिए, और चल के थोड़ा दिखाओगे? जी 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 सर, चलो। हाँ, अच्छा, फोन को थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो ठीक है, बुला रहे हैं। बुलाइए। अच्छा, चलिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो थोड़ा बहुत लिंपिंग है, ठीक है ना, लेकिन हाँ, ये जो लिंपिंग आपका चला जाएगा अपने धीरे धीरे से, आप चलना फिरना कंटिन्यू रखो इसी तरीके से, और अगर किसी को बताया ना जाए पहले से कि इनका हड्डी टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था पहले, तो ये आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे कि कुछ हुआ था करके। बहुत अच्छा कंडीशन है, थोड़ा बहुत जो 5-10% बचा हुआ है चलने फिरने में समस्या भी थोड़ा सा आ रहा है, काफी जल्द वो आपका रिकवर हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज है। जी सर। हाँ जी भाई सर, देखिए एक छोटा सा चीज बताना चाहेंगे, फिर इसको खत्म करते हैं बात करना। आप सामने के हैं तो आपको ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहिए था, ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, ठीक है? एक्चुअली क्या है, यहाँ तब सब जो ड्यूटी करने वाला है, क्लिनिक का सहारा नहीं है, ऑनलाइन ही हो जाता है। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन हाँ, अब से गुजारिश तो नहीं करेंगे हम, आपको बताएंगे ये चीज कि अगले बार जब आप आएंगे आपके घर तो ऑफिस जरूर आइएगा मिलने, और घर में सब ठीक है? जी सर, ठीक है। चलिए ठीक है भाई साहब, फिर रखते हैं, और आगे का जो ट्रीटमेंट है आप बताइएगा, बात करिएगा, जैसे होगा फिर उस पर किया जाएगा, ठीक है? जी जी जी, चलिए ठीक है, हाँ, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। ठीक है, चलिए, हाँ, नमस्कार। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर। चलिए ठीक।